पिछले साल यानी फिस्कल ईयर 2023-24 में डिफेंस कंपनियों ने शेयर बाजार में खूब धमाल मचाया। डिफेंस इंडेक्स में 119% से ज्यादा का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सरकार का भी अच्छा सपोर्ट रहा, निवेशकों ने मोटा माल बनाया। आने वाले वक्त में भी डिफेंस कंपनियों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है और निवेशकों की चांदी होने वाली है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर डिफेंस कंपनियों के शेयरों को लेकर बुलिश हैं। फर्म ने रिपोर्ट जारी की है और डिफेंस सेक्टर के कुछ थीमेटिक टेक्निकल पिक्स बताए हैं। डिफेंस सेक्टर के वो कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर फर्म ने भरोसा जताया है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे पहला नाम है कोटन शिपयार्ड का। फर्म ने इसको बाय रेटिंग दी है। इसका करंट मार्केट प्राइस 1073 है। टारगेट प्राइस इसका 1250 रखा गया है। अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो वो 16% है और स्टॉप लॉस 850। दूसरा स्टॉक है पारस डिफेंस। इसको भी फर्म ने बाय रेटिंग दी है। इसका करंट मार्केट प्राइस 710 है। टारगेट प्राइस 880 और अपसाइड पोटेंशियल इसका 24%, स्टॉप लॉस 590 का रखा गया है। तीसरा स्टॉक है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स। इसका करंट मार्केट प्राइस है 883। इसको भी फर्म ने बाय रेटिंग दी है। इसका टारगेट प्राइस रखा गया है 1080। अपसाइड पोटेंशियल इसका 22% है और स्टॉप लॉस 730 का रखा गया है। चौथा स्टॉक है मेजगांव डॉग और इसको भी फर्म ने बाय रेटिंग दी है। करंट मार्केट प्राइस इसका 2235 है। टारगेट प्राइस इसका 2500 रखा गया है। अपसाइड पोटेंशियल 12% और स्टॉप लॉस 1780 का है। इससे पहले हाल में ही जेफरीज ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी और डिफेंस सेगमेंट पर अपना भरोसा जताया था। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों डिफेंस सेक्टर पर फर्म्स बुलिश हैं, क्या कारण है जो ब्रोकरेज हाउसेस को डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद नजर आ रही है। सबसे पहला कारण आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, भारत डिफेंस पर काफी ज्यादा खर्च करने वाले देशों में शामिल है। भारत डिफेंस पर खर्च करने के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि ग्लोबल स्तर पर ये तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 5 से 6 साल में घरेलू स्तर पर डिफेंस सेक्टर में 100 से 120 अरब डॉलर के कारोबारी मौके हुए हैं और कैलेंडर ईयर 2022 में भारत का कुल डिफेंस खर्च अमेरिकी के डिफेंस खर्च का 10% और चीन के डिफेंस खर्च का 27% था। दूसरे कारण पे बात करते हैं तो दूसरा कारण डिफेंस सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाता है, वो ये है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है और 2024 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जेफरीज के अनुमानों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-30 के अनुमानों में एक्सपोर्ट में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि सरकार ने इसमें 3% की बढ़ोतरी का टारगेट रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएसयू कंपनियां और उनके वेंडर इस ग्रोथ की अगुवाई कर सकते हैं। वही भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट के प्रमुख बाजारों में इटली, यूरोप, यूएई, भूटान, यूथोपिया, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं और जेफरीज के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देशों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की जबरदस्त संभावनाएं हैं। ब्रोकरेज फर्म के नोट के मुताबिक फिलहाल ग्लोबल स्तर पर आम इंपोर्ट का बाजार तकरीबन 11 अरब डॉलर का है और इसमें मध्य पूर्व देशों की हिस्सेदारी 33% है। लेकिन डिफेंस सेक्टर में आने वाले वक्त में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर आपको शेयर बाजार में कोई भी पोजीशन लेनी है, किसी भी शेयर को खरीदना है या बेचना है, तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।